एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप वर्ग दशम का जो है प्रमेय और अप्रमेय संख्या पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो 2024 की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। पहला देखिए, पाई डैश संख्या है। पाई कैसी संख्या है? तो अप्रमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही आपका भरा जाएगा। यहां जो है वीडियो देखने से पहले जो है आप हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों परिजनों के बीच शेयर करना ना भूलें। यहां जो है शांत के लिए हम क्या कंडीशन बताए थे, पी बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m का होना बहुत जरूरी है। जहां भी ये होंगे वह जो है संख्या क्या होगी, शांत होगी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार, देखिए इस रूप में है आपका, का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सिर्फ आपको जो है दिमाग में ये बिंदु को याद रखना है, जहां इस रूप में देखिएगा शांत हो जाएगा। 11/25 का दशमलव प्रसार, देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 11/25 है, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 1, और इसे आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 1 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, इस रूप में आ गया। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, शांत होता है। आपको जो है आसानी से 2-3 नंबर आते हैं, कौन शांत है कौन अशांत है आ जाएंगे। 17/24 का दशमलव प्रसार, 24 देखिए 24 का गुणनखंड जब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 चौके 24, मतलब 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, देखिए यहाँ 5 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ अतिरिक्त क्या है बच्चों, 3 अतिरिक्त है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत होगा। ठीक इसी प्रकार 11/15 को 3 गुना 5 कर सकते हैं, यहाँ 1 भी कर सकते हैं, 11/3 गुना 5 गुना 2 पर पावर 0 ला सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका पद 3 जो है ज्यादा है, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है लेकिन 3 और ज्यादा है, इसलिए जो है आपका यह भी संख्या जो है क्या हो जाएगी, अशांत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।